जो हमारे बीच हैं, ना सिर्फ अपने उन शख्सियत के तौर पर पहचान रखते हैं बल्कि नेता के तौर पर सोशल मीडिया पे जो इनकी मौजूदगी है वो आम जनता के बीच कैसे मौजूद एक नेता रह सकता है, उनके दिलों तक कैसे पहुंच सकता है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तेमजिन जी जो दे रहे हैं। एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं एक जिस बात से सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ, आप अपने वन लाइनर के लिए बहुत फेमस हैं। कोई आपका अगर कहीं पे भी कोई भी पोस्ट आता है तो वो वन लाइनर कई बार होता है, कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग दिल में बसा लेते हैं, आपके वो वन लाइनर दिलों में बसते हैं, तो आज किसी एक वन लाइनर के साथ शुरुआत हो जाए। वन लाइनर समझने के लिए हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से समझ सकते हैं, और आज के दिन भी मस्त है, अभी की समय भी मस्त है, दैट इज माई वन लाइनर। जिंदगी भी मस्त है, इंसान भी मस्त है, माहौल भी मस्त है, बस जरूरी है खुद को मस्ती में रखने का। बिल्कुल सर, जिस तरीके से श्वेता ने कहा कि वन लाइनर्स के जरिए और इसके साथ सोशल मीडिया, यानी कि आपको वायरल मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक नाम आपको सोशल मीडिया पर दिया गया है, लेकिन जो वीडियोस आपके ट्विटर पर हम लगातार देखते हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, चाहे वो नागालैंड का नृत्य हो, या सबसे बड़ी बात कि आप टूरिज्म के को बढ़ावा देते हैं अपने उन वीडियोज़ के ज़रिए, बहुत सरलता के साथ में नागालैंड को आप पूरी दुनिया को दिखाते हैं अपने माध्यम से। नागालैंड जैसा प्रदेश जो है हमारे देश के विभिन्न भागों में अलग अलग सोच विचार है उसके बारे में, और बहुत कुछ 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 कहानियाँ बना के बोल देते हैं, या कुछ लोग छोटे से चीज़ को देख के समझ के वो अपने अनुवाद करते हैं, मगर हमारे काम यही है, मंत्री की हैसियत से नहीं मगर एक नागरिक होने की हैसियत से, भारत का एक नागरिक होने की हैसियत से, हमारे राज्य के बारे में, हमारे पूर्वोत्तर के बारे में जो सरलता से हमारी संस्कृति और हमारे रहन सहन और बिना कोई तामझाम के उन चीज़ों को हमारे देशवासियों के सामने पहुंचाना और उन चीज़ों को समझाना और समझना, वो हमारे कर्तव्य में महसूस करता हूँ। जैसा कि आपने हमसे कहा अभी कि आलोचना जब हम करना शुरू करते हैं तो पहले हमें खुद से करना चाहिए ताकि लोग समझ सकें, लेकिन जब मैंने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखा तो उसमें देखा कि 320 के फॉलोअर आपके ट्विटर पे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं, महिलाओं के बीच में इतने फेमस है फिर भी सिंगल हैं। महिला कौन पसंद नहीं करते, हम सब पसंद करते हैं, और चूँकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो उसका पहुंच और थोड़ा लंबा हो जाता है, तो अगर महिला हमारे फॉलोअर नहीं होगा, सिर्फ आदमी होगा, तो मेरे लिए वो बदनसीबी का बात है, मगर बहुत सारी महिलाएं हमारे फॉलोअर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बहन लोग हैं, दोस्त लोग हैं, माताएं हैं, तो उन सब चीज़ों से चल जाते हैं। यहाँ बैठे हुए पुरुष आपसे कहीं कहीं थोड़े जल रहे होंगे, आप कितनी सारी महिलाएँ फॉलोअर्स से थोड़े टिप्स दीजिए। जलने वाले जलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, अर्णब जी भी बहुत दिमाग लगा के आप तीनों को यहाँ बैठा दिया, मैं कोपचे में यहाँ फंसा हुआ, इधर घूमूं या इधर घूमूं, आगे देखने से ठीक है। चूंकि ये जो मीनाक्षी ने जिस बात का जिक्र किया है, अक्सर आप बड़े बेबाक अंदाज में, इसी अंदाज में आप अपनी बातों को रख भी देते हैं, आमतौर पर जो नेता होते हैं वो इतनी बेबाकी से चीज़ों को रखने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और डरते हैं, तो ये कहें कि आपका न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जिसके जरिए आप लोगों के, मतलब लोगों तक रीच बढ़ाने की एक जो आपकी एक अदा है वो ये है कि कम से कम लोग समझें कि उनके बीच में मौजूदगी रहे, ये एक आपका स्टाइल है? नहीं, ये कोई स्टाइल नहीं है, अगर मन में जो है वो सही मुंह से निकल देगा तो सुनने वाला समझ जाते हैं कि ये सोच के बोल रहे हैं या कुछ और कोपचे वाला बात है, तो सादगी से अगर हम लोग जो परिस्थिति में हैं और जिस माहौल में हैं उस हिसाब से हम अपने बातों को सोशल मीडिया में रख देते हैं, तो उन चीज़ों को मेरे व्यक्तिगत जो है
उसके द्वारा वो निकल जाए। आइडिया कैसे आपको आया कि सोशल मीडिया के जरिए अगर एक नेता पहुंचता है, एक जरिया बनाता है, तो ये लोगों के बीच अपनी मौजूदगी को दर्ज करने का एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, ये आइडिया कैसे आया? नेताओं को आप देखिए ना, बहुत गंभीर होता है सब, सोचते कि बुरा मत मानिए और हंसते नहीं है, गंभीर रहेगा तो सोचता बहुत बड़ा नेता है। अरे इंसान है हम लोग, थोड़ा बहुत हंसना चाहिए, गलतियाँ थोड़ा बहुत होता है और कभी कभार अपने आप फंस भी जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के चक्कर से निकल के अगर हम लोग अपने जिस तरह का व्यक्तित्व है उन चीज़ों को अगर हम लोग छोटे से तरीका से अगर हम लोग लोगों तक पहुंचने के लिए अगर कोशिश करें और लोगों को हम लोगों तक पहुंचने के लिए आसान कर दे, तो उससे बड़ा चीज हमारे लिए तो कुछ मतलब और ये है कि आम लोगों के बीच में उनको ये बताना कि हम आपके नेता तो हैं लेकिन हम आपकी तरह ही हैं और ऐसे ही रहकर सेवा करेंगे। अब सर आगे इसी बात को मैं बढ़ाऊंगी, जैसा आप लगातार कहते हैं, ये बात भी आपने ही कही है कि ये बाबूराव का स्टाइल नहीं है, तेमजिम का स्टाइल है, ये लाइन भी आपकी बड़ी वायरल हुई थी। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें, जिन्हें आप अपने गुरु जी कहते हैं, कि अब गुरु जी ने तारीफ कर दी तो अब बस, अब तो हो गया, क्योंकि नागालैंड पहुंचे थे उन्होंने भी कहा था कि मैं तो सोशल मीडिया पर बहुत देखता हूँ आपको। गुरुजी ने क्या किया वो तो हमारे लिए सपने से भी बाहर था। उन्होंने तारीफ कर दिया तो मैं चुनाव जीत गया, आप लोग सोचिए, ये मजाक वाला बात नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने मंच से तारीफ कर दिया, मैं चुनाव जीत के मंत्री बन गया, चूंकि उन्होंने दिल से तारीफ किया। और किसी और का स्टाइल अपनाने के लिए क्या जरूरत है? आजकल मुश्किलात ये होता है कि मंत्री बनने से पहले तो कभी भी जाके गोलगप्पे खा लेते थे या कहीं खड़ा होकर चाय पी लेते और समोसा खा लेते थे, आजकल तो तामझाम करने लगते हैं लोग ना, तो नेचुरल जो जीने का तरीका उसके लिए मुश्किल हो गया। तो हमारे ख्याल से हम लोग जैसा है वैसा करना चाहिए, रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा लोगों के साथ मिलजुल के रहें और एक दूसरों के साथ अपने मन के बातों को रखने का, सोचने का समय मिले जी, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलते हुए हमने देखा है कि एक वक्त था जब नेता घर घर जाकर के पैम्पलेट बांटते थे, अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कैंपेन चलते हैं, हर हाथ मोबाइल, हर हाथ टैबलेट, क्या इलेक्शन में इस चीज का फायदा मिला? दोबारा दोहराना, हर हाथ मोबाइल, हर हाथ टैबलेट, बदलाव हुआ है? पहले नेता जाते थे, पैम्पलेट देते थे घर घर में जाकर के, अपील करते थे वोट दीजिए, अब सोशल मीडिया पे कैंपेन चलते हैं, इसका फायदा आपको मिला नागालैंड इलेक्शन में और मिजोरम के इलेक्शन भी करीब है, इसका फायदा क्या वहां पर भी मिलेगा? नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है, उसमें बहुत सारे गलत भी चलाते हैं, बहुत सारे ठीक भी चलाते हैं। हम लोग ये कोशिश करना चाहिए कि जो उपलब्धि है उस चीज़ को अच्छी तरीक़ा से हम लोग इस्तेमाल करें और उन जो आम लोग हैं वो लोग बहुत सारे चीज़ों को नहीं जानते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हुए मंच में लोग और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, आपको जितना जानकारी है वो गांव के लोगों को मालूम नहीं है, मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक गांव में पहुंचा हुआ है आज के दिन, और जो भी उपलब्धि का और अच्छे इस देश के लिए जो भी कार्य हो रहा है उन चीज़ों के बारे में उनके पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात मैं समझना चाहूँगी, आजकल का जो वक्त है उसमें जो यूथ है वो हर तरह से इन्फ्लुएंस होता है, सोशल मीडिया एक वो जरिया है, एक वेपन है जिसमें अच्छाई भी है बुराई भी है। चूँकि जब हम बात करते हैं राष्ट्र की, तो राष्ट्र युवा और विचारधारा सब मिल करके चलते हैं, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया किस तरीके से राष्ट्र के प्रति उस विचारधारा को सही मायनों में आगे बढ़ाने में कारगर साबित होता है? युवा के लिए आज के दिन एक बहुत बड़ा समय है, जब हमारी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में इस देश को एकता और अखंडता के साथ पहले बार ऐसा हुआ है
हम उम्र में तो आप लोगों से बड़े नहीं हैं, मगर जितना तक जानता हूँ इस देश में हमेशा तोड़ मरोड़ के बांट के ही बात होते थे। आज के दिन में एक भारत श्रेष्ठ भारत,